मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी ने लॉक कर दिया है और कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को लॉक करेगी। यह बड़ा बयान पूर्व कैबिनेट मंत्री उमंग सिंगार ने धार जिले की कंदवानी विधानसभा के ग्राम सलकनपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान दिया। दरअसल गुरुवार को धार जिले के ग्राम बिड़वाला में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार जनता कांग्रेस को लॉक करेगी। सिंधिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री उमंग सिंगार ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में लॉक कर दिया है और कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को लॉक करेगी। इसके साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश में 130 से लेकर 150 विधानसभा सीट कांग्रेस के जीतने का दावा किया है। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, सिंधिया जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। लालच में तो वो गए, अपने सब विधायकों को लेके मंत्री पद दिलाया, खुद सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, तो इनके मन में लालच थी। ये किसको बोल रहे? प्रदेश की जनता को। फिर राजा महाराजा बिक गए, लेकिन कांग्रेस के विधायक कई और विशेष रूप से आदिवासी नहीं बिके। कि आपके सामने प्रमाण है, मुझे भी ऑफर था लेकिन नहीं बिका। क्या लगता है आपको, एक बार सरकार कितनी सीटों से बना रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस को बहुमत चाहिए 130 से 150 अधिकतम आएगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। स्टालिन का मुद्दा बड़ा भाजपा उठा रही है कि सनातन धर्म को जो है स्टालिन जो है खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस की क्या भूमिका है? भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर लड़ाई लड़ना नहीं चाहती। यहाँ के किसानों का भी कर्ज माफ नहीं किया, यहाँ किसानों की बिजली माफ नहीं करी, युवाओं को आपने नौकरी नहीं दी, बैकलॉग के भर्ती नहीं करे, तो ये हमेशा भटकाना चाहती है। प्रदेश के जो मुद्दे हैं किसानों के, उन मुद्दों पे बात करें, उस पे चुनाव लड़ना चाहिए। शिवराज सिंह को किसान का बेटा कहता है तो किसान के मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ता चुनाव? अभी आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी को खटबल खटबल की संख्या दी थी भाजपा। देखिए, मेरा ये कहना है कि 18 साल में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का आप समझ सकते हैं खटमल क्या करता है, खटमल की क्या प्रकृति होती है, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश की जनता के साथ छल किया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है और किसान जानता है कि किसानों पे गोलियाँ भी चली, किसानों को कर्जे माफ नहीं किए, किसानों को बिजली के बिल माफ नहीं किए, तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए किस मुँह से जाके वोट मांग रही है। सिंधिया जी ने जो है कांग्रेस को लॉक करने की बात कही है, कांग्रेस को लॉक कर दिया जाए, कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे सवाल का जवाब देते हैं लॉक कर देते हैं, इस प्रकार जो है वो कांग्रेस को लॉक कर दो इस बार। मोदी ने शिवराज को लॉक कर दिया और अब सिंधिया को लॉक करेगी कांग्रेस। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।